पे शैतान, ये फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म होगी जिसको विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका, जानकी बोधीवाला देखने को मिलेंगी। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिल्म की कहानी ब्लैक मैजिक पर होगी, जहां आर माधवन फिल्म के अंदर एज अ विलन देखने को मिलेंगे, जो कि काले जादू का इस्तेमाल करके अजय देवगन की बेटी को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। वश से याद आया, ये फिल्म साल 2023 की काफ़ी डिस्टर्बिंग और ज़बरदस्त फिल्म वश की ऑफिशियल हिंदी रीमेक होगी, जो कि मैंने देख ली है, मतलब पहले ही देख ली थी। बहुत ही अच्छी फिल्म है। जानकी ओरिजिनल फिल्म में भी थी, मतलब सेम रोल को वो दो बार प्ले कर रही हैं। शैतान फिल्म 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। आपको स्लैप करो जोर से, वंस मोर। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? व्हाट हैव यू डन टू हर? योद्धा, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी स्टोरी एरोप्लेन हाईजैक पर होगी। फिल्म में हमको दो हाईजैक देखने को मिलेगा, ऐसा टीजर से लग रहा है। फिल्म का एकदम फास्ट पेज टीजर आउट हो चुका है, जिसे देखकर लग रहा है फिल्म में जबरदस्त एक्शन होने वाला है। योद्धा फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पाटनी देखने को मिलेंगी। फिल्म को दो डायरेक्टर्स मिलकर डायरेक्ट किए हैं, सागर आमरे और पुष्कर ओझा। ये फिल्म को सिरसा के मेकर्स ने बनाया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से सोल्जर के रोल में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म 15 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। मुबारक, ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसको कॉकटेल के डायरेक्टर होमी अडजानी ने डायरेक्ट किया है। वहीं दिनेश विजयन फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं मैडॉक फिल्म्स के मेहनत तले। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, टिस्का चोपड़ा देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसके साथ सस्पेक्ट है। अब ये मर्डर किसने किया है, किलर कौन है, वो हमको फिल्म देखकर पता चलेगा। ये फिल्म 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। आइया दे रहे हो कि भाई मर्डर मुबारक हो। द गुड लाइफ, ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी, ऐसा मेकर्स ने अनाउंस किया है। ये पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म है, जो फिल्म लिटरली काफ़ी सालों से बन रही है। फिल्म एक सर्वाइवल एडवेंचर ड्रामा फिल्म होगी, जिसको नेशनल अवार्ड विनर ब्लेसी ने डायरेक्ट किया है। इसका ट्रेलर जो आउट हुआ है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, उसको देखकर आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि ट्रेलर बहुत सही लग रहा है, जिसमें हमको एक ट्रू स्टोरी देखने को मिलेगी नजीब मोहम्मद की, जो कि बेहतर ज़िंदगी के लिए विदेश जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। काफ़ी तकलीफ और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म पहले 10 अप्रैल 2024 को आने वाली थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फिल्म अब प्रीपोन हो चुकी है। ये फिल्म अब 28 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म 5 भाषाओं में आने वाली है, मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। नंबर 10 पे क्रू फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसको राजेश कृष्णन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में तीन कमाल की एक्ट्रेसेस तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सैनन दिखाई देंगी। इनके साथ दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी देखने को मिलेंगे। कपिल शर्मा फिल्म में कैमियो रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में हमको तीन एयर होस्टेस की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म का टीजर काफ़ी फनी लग रहा है। फिल्म एक हाइस्ट मूवी होगी, जिसमें कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा बेबू ने कहा था। जी हाँ, क्रू फिल्म 29 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म को शोभा कपूर, अनिल कपूर, एकता कपूर, रिया कपूर प्रोड्यूस किए हैं। मैम वेज नॉन वेज? 6 महीने से वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज लगे हुए, वो भी फ्री में। तो ये थी मार्च 2024 में आने वाली बड़ी फिल्म है। तो आप लोग कौन सी फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया। और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो। अच्छा जानू, अब है ना तो चाकू भूख देना, ओके थैंक्स। Ah!